कांग्रेस नेता राजा पटेरिया के पीएम मोदी पर दिए गए बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेताओं को शिक्षित करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रौढ़ शिक्षा मंत्री से केंद्र खोलने की मांग की है, जिससे कि इस तरह के नेताओं को मर्यादित भाषा का पाठ पढ़ाया जाए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो बूढ़ी कांग्रेस है, इस बूढ़ी कांग्रेस के नेता, इनको शिक्षा का अभाव होने के कारण इस प्रकार का उनका आचरण और व्यवहार हो गया है। उनको शिक्षा की आवश्यकता है, संस्कारों की आवश्यकता है, उनको अपनी संस्कारों से, अपनी संस्कृति से उनको कराने के लिए और उनको शिक्षित बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण के समस्त कार्यकर्ता आज ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम इस ज्ञापन के माध्यम से देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से इस बात का आग्रह करेंगे कि पूरे देश के हर जिले में करोड़ शिक्षा केंद्र खोले जाएं और खास करके वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए खोले जाएं कि कांग्रेस के लोगों को उन करोड़ शिक्षा में एडमिशन देकर इस देश के संस्कृति से, देश के संस्कार से रूबरू कराया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, ताकि उनको ये समझ में आए कि लोक सेवक के प्रति हमारा आचरण क्या होना चाहिए, हमारी भाषा शैली क्या होना चाहिए। तो आज इसी बात को लेकर हम यहाँ पर ज्ञापन देंगे।